हेलो, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 11th हिस्ट्री मिड टर्म मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। तो स्वतंत्र बेबीलोन का जो अंतिम शासक है वो है नोबिनिडस। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक नोबिनिडस। द कैनबरी टेल्स नामक काव्य कृति की रचना किसके द्वारा की गई। द कैनबरी टेल्स नामक जो पुस्तक है उसकी रचना की गई थी किसके द्वारा, जेफरी चौसर के द्वारा। किसके द्वारा, जेफरी चौसर, यानी ए इसका सही आंसर है। मंगोल साम्राज्य के अंतर्गत सुरक्षित यात्रा हेतु यात्रियों को जारी किया जाने वाले पास को फारसी भाषा में कहा जाता है। तो इसे फारसी भाषा में कहा जाता है बाज। चित्र को पहचानिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह है कोलिजियम। क्या है, इसे कोलिजियम कहा जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 5 है, चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उसे टीथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उसे टीथ कहा जाता था। ए इसका सही आंसर है। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही अगर बात करें तो पहला है, कुछ मंगोल पशुपालक तथा कुछ शिकारी संग्राहक थे। दक्षिणी भाग में शुष्क थार का मरुस्थल है। मंगोल और मध्य एशिया के आवर को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। मंगोलों से अपनी प्रजा को रक्षा के लिए चीन के शासकों ने चीन की महान दीवार का निर्माण कराया। तो जो सही आंसर है वो है आपका डी। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, अभिकथन और कथन दिए गए हैं। पहला है, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। 7वीं शताब्दी तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर छिड़ गई। तो जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का प्रारंभ बिल्कुल सही है, और 7वीं शताब्दी तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर छिड़ गई, जो कि कथन गलत है। दी गई सूचना के आधार पर आपको तय करना है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं अनुसार यह एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। तो इसका जो सही आंसर है तो है उरुक को केवल शहर कहकर पुकारा जाता था। मंगोल कबीलों के संदर्भ में कुरुलताई क्या क्या अर्थ है। तो मंगोल कबीलों के संदर्भ में कुरुलताई का अर्थ है सरदारों की, मंगोल कबीलों के सरदारों की एक सभा, यानी सी इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10, रोम साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऐसी एक जैसी वेशभूषा तथा एक जैसा भोजन। दिए गए कथनों के ध्यान से पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही तथ्य का चयन कीजिए। तो सही जो कथन का चयन है वो है आपका उलुस। क्या है, उलुस, बाज, नोयान, तुमन। तो ये नई सैनिक टुकड़ियाँ थी जो विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी। इनमें से लोग जिन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में पूर्ण निष्ठा के साथ चंगेज खान का साथ दिया, तो उसे नोयान कहा गया। क्या कहा गया, नोयान, सी इसका सही आंसर है। यूरोपीय सामंतवादी समाज में एक ऐसी संस्था को जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी, क्या कहा जाता था, तो उसे श्रेणी कहा जाता। क्या कहा जाता था, श्रेणी। क्या कहा जाता, श्रेणी कहा जाता था। इसी प्रकार से मिलान करना है 13वें का, तो सबसे सिंपल तरीके से एम्फोरा क्या था, तरल पदार्थ की ढुलाई के लिए प्रयुक्त मटकों को एम्फोरा कहा जाता था। ठीक है, तो उसके बाद कैस्ट, उसके बाद बात करें फंडी की, बात करें तो फंडी क्या थी, अवन आकार की झोपड़ी। मैपेलिया क्या था, तो मैपेलिया एक प्रकार का गुड वर्ल्ड के नदी के किनारे साथ बसी अन्य जिम्मेदारियाँ थी। और ठीक है, इसी प्रकार से संबंधित चीज़ें यहाँ पर दी गई। तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका, यहाँ पर दिया गया है सही आंसर विकल्प है ए, यानी ए इसका बिल्कुल सही है। 14, निम्नलिखित में कौन सी भाषा 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी इराक कुछ भागों में बोली जाती है। तो उस भाषा को क्या कहा जाता है, तो उस भाषा को कहा जाता है अरामाइक। क्या है, अरामाइक। 2, सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक 529 ईस्वी में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट तथा दूसरा 910 ईस्वी में स्थापित कुलीन था, कहाँ पर, तो स्थापित किए गए थे इटली और बर्गंडी में। बी इसका सही आंसर है। राजा असुर बनपाल के द्वारा एक पुस्तकालय की स्थापना कहाँ पर की गई,
तो राजा असुर बनिपाल के पुस्तकालय की स्थापना 99 में कहाँ की गई, 99 में। चंगेज़ खान द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के किस शासक द्वारा बनाया गया परिसेवा के बराबर था, तो इसका जो सही आंसर वह है अट्टीला। क्या है? अट्टीला, सी इसका सही आंसर है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। डैश को रोम साम्राज्य के हृदय कहा जाता है, तो रोम साम्राज्य के हृदय कहा जाता है भूमध्य सागर को। दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति विशेष को पहचानिए, तो वह है व्यक्ति विशेष की अगर हम बात करें तो उस व्यक्ति विशेष का नाम है जोची चगताई तुलय। तो उस व्यक्ति विशेष का नाम है जिसने चंगेज़ खान ने संकेत दिया था कि उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी होगा, तो वह है ओगदई। क्या है? ओगदई, सी इसका सही आंसर है। कृषकों के परिवारों को लोड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे, इस श्रम से होने वाली उत्पादन आय क्या कहलाती थी, उसे कहा जाता था श्रम अधिशेष। क्या कहते थे? श्रम अधिशेष। चंगेज खान के वंश के किस वंशज ने अपने 1236 से लेकर 1241 ईस्वी के अभियानों के में रूस की भूमि को मास्को तक रौंद डाला और पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया, उसका सही आंसर वह है बाटू। क्या नाम है? बाटू। इसी प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं 3 नंबर वाले, इन सभी क्वेश्चन में पहले भी कवर कर रखा है। नदियाँ सभ्यता के उद्भव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मेसोपोटामिया के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। मेसोपोटामिया के लोग लेखन कला के लिए किस लिपि का प्रयोग करते थे, उन तथ्यों का और घटनाओं को वर्णन कीजिए जो चंगेज़ खान को सही मायने में सार्वभौम शासक बनाती है। नगर की हवा स्वतंत्रता स्वतंत्र बताती है बनाती है। चंगेज़ खान की सैन्य उपलब्धियाँ विस्मित कर देने वाली थी। सामंतवाद शब्द से क्या अर्थ है? रोम साम्राज्य के इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से थे? ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधिकतर क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के सीरीज में सभी करवा रखे हैं। टोटल क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से ही दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये सभी क्वेश्चन जो इतिहास में आप सभी से पूछे गए थे, आई होप आपने इस पेपर को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया होगा। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके MCQ में से कुल कितने MCQ सही हुए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।